कार्बन श्रृंखला के अलावा जो बच जाता है वो सब्स्टिट्यूट होता है। सी एस थ्री को क्या बोलते हैं? तो आइए प्रतिस्थापियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। अगर जब भी आप आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे हो तो सी एस थ्री अगर प्रतिस्थापी में चला जाता है तो उसको मिथाइल से हम लिखेंगे, अगर C2H5 चला जाता है प्रतिस्थापी में तो एथाइल से लिखेंगे, और Cl चला जाता है तो क्लोरो लिखेंगे, Br चला जाता है तो ब्रोमो लिखेंगे, I चला जाता है तो आइडो लिखेंगे, फ्लो F चला जाता है तो फ्लोरो लिखेंगे, NO2 चला जाता है तो नाइट्रो लिखेंगे, इस प्रकार हम लिख देंगे। ठीक है, अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। दोस्तों प्रतिस्थापियों के बारे में तो हमने जान लिया, इसको हमने जान लिया कि इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको भी मिथाइल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखो 1, 2, 3 नंबर पे आ रहे इधर से और इधर से 1, 2, तो देखो उधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से सब्स्टिट्यूट कम नंबर पे आ रहा, 1, 2 पे आ रहा तो इधर से देंगे 1, 2 फिर 3 और फिर 4, तो 1, 2, 2 पे एक बार और दो बार, 2 पे दो बार, तो 2 and 2, 2, 2, अब 2, 2 एक और दो, दो को दो बोलते हैं, आपको केमिस्ट्री की गिनती में क्या बोलते हैं, 1, 2, तो इसको भी जानना पड़ेगा। तो हमें जानना पड़ेगा कि एक प्रतिस्थापी तो उसको क्या बोलते हैं, दो प्रतिस्थापी तो उसको क्या बोलते हैं, तीन प्रतिस्थापी हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसकी एक टेबल है उसके बारे में जानते हैं। अगर एक प्रतिस्थापी होता है तो उसे हम मोनो लिखते हैं, दो प्रतिस्थापी होता है तो उसे हम डाई लिखते हैं, और तीन प्रतिस्थापी हो तो उसको ट्राई लिखते हैं, और चार प्रतिस्थापी हो तो उसको हम टेट्रा लिखते हैं, पांच प्रतिस्थापी हो तो उसको पेंटा लिखते हैं, और छह प्रतिस्थापी हो तो उसको हेक्सा लिखते हैं, और सात प्रतिस्थापी हो तो उसे हेप्टा लिखते हैं, और आठ प्रतिस्थापी हो तो उसको ओक्टा लिखते हैं, और नौ प्रतिस्थापी हो तो उसको नोना लिखते हैं, और 10 प्रतिस्थापी हो तो उसको डेका लिखते हैं, DECA। सब्स्टिट्यूट नंबर टेबल भी कंप्लीट हो जाती है। और अब हम सीखेंगे नाम लिखना। दोस्तों अब हमने जान लिया है कि दो प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था टेबल के अंदर कि दो प्रतिस्थापी हो तो डाई लिखते हैं, तो डाई लिखेंगे यहाँ पे, तो DI डाई। अब क्या है, ये मिथाइल है, तो METHYL मिथाइल। ठीक है, अब क्या है, 1, 1, 2, 3, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो BUT ब्यूट, और सब में एक एक बॉन्ड है तो N ब्यूटेन, BUTEN ब्यूटेन। 2, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, अगर सब्स्टिट्यूट 1 हो तो उसको क्या लिखेंगे, वो भी हम जानेंगे अभी। अब हमारे पास क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबसे पहले हम बड़ी कार्बन श्रृंखला सेट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन इसमें आ रहे हैं, इसमें तो 3 ही आएंगे, 1, 2, 3, 3 आएंगे इसमें, तो ये नहीं लेंगे, 1, 2, 3, 4 ये लेंगे, तो ये बड़ी कार्बन श्रृंखला होगी। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापी पहले आए थे, 1, 2, 2 पे आ, तो इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब प्रतिस्थापी हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्रतिस्थापी को हमने जान भी लिया कि इसको मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 पे आ रहा था 2, अब क्या करेंगे मिथाइल, तो हमने गिनती में पढ़ा था कि एक प्रतिस्थापी हो तो उसको मोनो बोलते हैं, लेकिन मोनो हम लगाते हैं 2-methyl मिथाइल, और क्या है, मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो BUTANE है ना, एक एक बॉन्ड है, और ब्यूट यानी चार, एक कार्बन कितने, चार है ब्यूट, और मिथाइल CH3 है, और 2 पे क्या है, मेथिल आई ना। दोस्तों अगली वीडियो में करेंगे कुछ और क्रेजी क्वेश्चंस, तब तक के लिए अगली वाली वीडियो आपके लिए तैयार है, वो देखिए, फिर मिलते हैं आपसे।